डियर स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वी विल डिस्कस मेटामेरिक बॉडी फॉर्म इन फाइलम एनीलीडा अर्थवर्म एक्सीलेंट एग्जाम्पल है फाइलम एनिलीडा की इसकी बॉडीज जो हैं देट आर ऑर्गेनाइज इन टू आ सीरीज ऑफ रिंग लाइक सेगमेंट्स अब ये जो सेगमेंट्स जो हैं दे आर नाट एक्सटर्नली ऑबियस हाउ एवर इसकी बॉडी के सेगमेंट्स जो हैं इंटरनली भी होंगे और इंटर एक्सटर्नली भी होंगे एक्सटर्नली हमें इतने अंडरस्टूड या ऑब्वियस ना भी हो, लेकिन ये दोनों इंटरनली और एक्सटर्नली मौजूद होंगे इस तरह की अरेंजमेंट जो बॉडी के अंदर सेगमेंट्स की होती है उसको हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन और ये फिनोमेना कहलाता है मेटामेरिज्म मेटामेरिज्म दिस इज़ यूजुअली प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंसेस वर्चुअली एवरी एस्पेक्ट ऑफ एनिलिड के उसके स्ट्रक्चर में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसके फंक्शन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें अनाटमिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेन्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और इसके ऑर्गेन सिस्टम जो हैं दे आर इन कॉन्सीडेंटली एसोसिएट विद मेटामिज़्म फॉर एक्ज़ाम्पल इसके बॉडी पार्ट्स में जो कम्पार्टमेंटलाइजेशन का प्रोसेस है कि हर सेगमेंट के अंदर अपना अपना एक कम्पार्टमेंट है अपना उसका एक्सक्रेटरी सिस्टम है अपना नर्वस सिस्टम है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मेटामरिज्म फिर इसमें टू रिलेटेड फंक्शंस लाइक प्राइमरी फीचर्स ऑफ मेटामेजम फ्लेक्सिबल स्पोर्ट एंड एफिशेंट लोकोमोशन दीज आर आल्सो द रिजल्ट ऑफ मेटामेरिक सेगमेंटेशन अब ये फंक्शंस जो हैं ये डिपेंड करते हैं अरेंजमेंट ऑफ सिलोम पे इसको हम उस वक्त ज़्यादा ओबियस देख सकते हैं जब सिलोम की डेवलपमेंट हो रही होती है उसके साथ साथ ही ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन की डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी और उसमें बॉडी वॉल के मसल्स जो हैं दे आल्सो स्टार्ट अरेंजिंग दैम अब एम्ब्रमिक डेवलपमेंट के दरम्यान बॉडी कैविटी एनीलिड्स की दैट अराइज़ बाय स्प्लिटिंग ऑफ सेगमेंट्स आर सॉलिड मास ऑफ मीजोडम

दे आर आल एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मसल्स जो हैं इस में डवेलप करेंगे मिजोडर्मल लेयर से एंड मसल्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट आर एसोसिएटेड इन विद एवरी सेगमेंट मसल्स की लेयर जो है वो सर्कुलर मसल्स की लेयर मौजूद है दिस इज़ बिलो द एपीडरमस लॉन्गीडनल मसल्स मौजूद हैं लॉन्गील मसल्स आर जस्ट बिलो द सर्कुलर मसल्स और इसके अलावा इसके अंदर जो लार्वे हैं पॉली जो क्लास पॉलीकीट्स है दैट इज़ हैविंग अनदर काइंड ऑफ मसल्स जिसको हम कहेंगे ओब्लिक मसल्स और लीचिस जो हैं जो इनके अंदर मसल्स मौजूद हैं उनको हम कहते हैं डोर्सो वेंट्रल मसल्स अब इन सेगमेंटल अरेंजमेंट का सिलोमिक स्पेसिस का मसल्स की अरेंजमेंट का एनिमल को क्या फ़ायदा है कि इसके अंदर कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं अब ये कंपार्टमेंट्स uh, जब ज़्यादा होंगे तो एनिमल को लोकोमोशन में एडवांटेज है स्पोर्टिव फंक्शंस में एडवांटेज है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की डेवलपमेंट में एडवांटेज है अब हर सेगमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली कंट्रोल भी होता है और उसके मसल्स जो हैं दे नॉर्मली एक्ट इन एंटागोनिस्टिक पेयर्स और इसमें सिलोमिक फ्लूड जो है दैट प्रोवाइड द हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन अगेंस्ट विच मसल्स ऑपरेट अब रिजल्ट इसका क्या है कि ये मसल्स लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं मेटामेरिज्म जो है दिस ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द इम्पैक्ट ऑफ इंजरी ऑन द एनिमल अब अगर यह है कि अगर इसमें एक या एक से ज्यादा सेगमेंट की इंजरी हो जाए तो इसमें क्या है एडजेंट सेगमेंट जो हैं उसके सेप्टम से फ़ौर ही बॉडी के साथ ताल्लुक़ कायम हो जाएगा और उसके फ़ौर रीजनरेशन का प्रोसेस होगा और वो सेप्टम जो है आहस्ता आहसा कंप्लीट कर लेगा अपनी मेंटेनेंस को और अपने रिलेटेड बॉडी फंक्शंस को फिर थर्ड एडवांटेज मेटामेरिज्म का क्या है कि इसमें कुछ बॉडी रीजन्स की मॉडिफिकेशन हो जाती है और कुछ बॉडी रीजन्स जो हैं दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट सच एज फीडिंग लोकोमोशन रिप्रोडक्शन अब ये जो स्पेशलाइज बॉडी पार्ट्स हैं इसको आ, हम कह टेगमेटाइजेशन भी कह देते हैं अब इसमें आर्थ्रोपोड्स और एनिलिड्स इनके अंदर टेगमेटाइजेशन का प्रोसेस जो है दैट इज़ क्वाइट डिस्प्लेड और आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट स्पाइडर माइट्स टिक्स क्रेफिश इन सब के अंदर टेगमेटाइजेशन का प्रोसेस है अब इन दोनों एनिमल्स के दरम्यान जो वाद सिमिलरिटी का पैटर्न है वो भी है टेगमेटाइजेशन का प्रोसेस इसमें हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं फीचर्स की बेस पे बोथ द आर्थरोपोर्ट्स एंड एनिलिड्स दे मस्ट बी शेयरिंग सम इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स आर दे मे हैव अ कॉमन एंसेस्टर टू द अर्स्ट रिप्रजेंटेटिव ऑफ दिज टू फाइल अब एनिलिड्स एंड आर्थरो दे माइट हैव बीन फ्राम अ मेरीन वर्म लाइक Bilateral ancestor that possess the metameric segmentation.